अखिलेश यादव से तलखियों के बाद से समाजवादी पार्टी में हाशिए पर रहे शिवपाल सिंह यादव के हाथ से सहकारिता की आखिरी ताकत भी खोने जा रही है। दरअसल शिवपाल सिंह यादव को सहकारिता का दिग्गज माना जाता रहा है और लंबे समय से उनका बेटा आदित्य यादव प्रादेशिक कॉरपोरेटिव फेडरेशन का सभापति है। इस बार बीजेपी ने सहकारिता के क्षेत्र में उनके रुतबे को छीनने की पूरी तैयारी कर ली है। सभापति का चयन करने वाले फेडरेशन की 14 सदस्यीय कमेटी में से बीजेपी के 11 सदस्य निर्विरोध चुने गए हैं। बाकी 3 सीटें महिला कोटे के लिए हैं, जिन्हें सरकार मनोनीत करती है। फेडरेशन के सभापति का कार्यकाल 5 साल का होता है और उनके बेटे आदित्य यादव 14 जून को अपना पूरा कार्यकाल खत्म कर रहे हैं। सभापति बनने के लिए फेडरेशन के 14 सदस्यीय बोर्ड में शामिल होना जरूरी है। हालांकि पीसीएफ से शिवपाल सिंह यादव का वर्चस्व खत्म करने में जुटी बीजेपी ने उनके बेटे आदित्य यादव को बोर्ड का सदस्य तक नहीं बनने दिया है। इससे आदित्य के तीसरी बार सभापति बनने की संभावनाएं बिल्कुल खत्म हो गई हैं। इसके साथ ही सहकारिता से शिवपाल सिंह यादव का वर्चस्व भी खत्म होना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पोस्ट न्यूज़।